हाय गाइस व्हाट्स अप। तो जैसा कि आप जानते हैं फन किड्स में हम मोस्टली डांस की वीडियोस डालते हैं, तो अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जनरल इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे, बट इसके साथ साथ अब हमने कोडिंग लेसन भी उसमें कवर करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि कोडिंग सब सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और उसको सीखना भी बहुत आसान है क्योंकि बहुत सारे वेब टूल्स अवेलेबल हैं। इस बारे में संस्कृति आप क्या बोलना चाहोगी? कोडिंग सीखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में सारे रोबोट्स ही होंगे और हमें अगर मतलब रोबोट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फ्यूचर में कुछ चीज़ें होंगी ना, जैसे इंजीनियर्स होंगे रोबोट्स इंजीनियर्स, तो उनके पास जाना पड़ेगा। तो अगर आप घर पहले से ही कोडिंग सीख के बैठते हो तो आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा मतलब रोबोट्स या फिर कोई ऐप बना सकते हो। तो आप ये कह रहे हो कि कोडिंग से हम मशीनों से बात करने का हमारे आसानी रहती है, राइट? इट्स अ लैंग्वेज व्हिच मशीन स्पीक। यस। और तो ये बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट, लाइक ठीक है, तो क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे बच्चे सीख सकते हैं कोडिंग? मतलब जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और ऐप्स हैं जैसे code.org है, स्क्रैच है, ठीक है, और बहुत सारी। तो ठीक है, सो लेट्स जस्ट इफ यू कैन गाइड अवर यूजर्स कि कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, इट विल बी ग्रेट। या प्लीज टेल अस लाइक हाउ डू वी स्टार्ट। सो फर्स्टली द ऐप व्हिच आई रिकमेंड द मोस्ट इज code.org। यू मीन द वेब पेज, राइट? नॉट अ यस यस ओके। अब हम code.org के पेज पे आ गए हैं, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स? क्रिएट पे जाओ अगर आप, और व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स। व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको पब्लिक प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, और अगर आप चाहते हो कि जैसे आप इनको देखना चाहते हो कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स क्या हैं, जैसे किसी ने ये बनाया हुआ होगा, हेलो रन तो इसे, हाँ देखो रन करोगे तो आप देख सकते हो कि उसने क्या बनाया है। So you will be telling us how to develop these kind of apps. Yes. Okay. All right. So, यहाँ पे when you click on view full list, you have a lot of options on what you want to make. So firstly, I started with Frozen, because it's a lot bit simpler. Okay. So you can just click on it and rename, like what do you want the project name to be. I'll just give it as demo and I'll just click on save. Okay, so if we run Elsa would not do anything because we haven't given any code to make her do anything. हाँ, हिंदी में अगर बात करें ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ब्लॉक्स हैं ये जो आप ड्रैग करके लगा सकते हैं, जैसे मूव फॉरवर्ड है कि आगे चलने के लिए। ये क्या है, ये एक्शंस, लूप्स, मैथ, लॉजिक, ये? तो ये अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स हैं, जैसे एक्शंस में है कि आप इसे कैसे चलाना चाहते हो, आगे चलाओगे, कितना पिक्सल्स, राइट मोड़ोगे, तो ये वो। और लूप्स में है कि आप उस लूप्स में आप रिपीट करा सकते हो चीज़ें एल्सा से या फिर। अच्छा, तो आई थिंक ठीक है, बारी बारी से आप बता दीजिए दर्शकों के लिए कि आई थिंक आसान रहेगा। और इसमें दो तीन चीज़ें और हैं, जैसे एक्शंस में सेट कैरेक्टर टू आना, कि आना बन जाएगी, ये एल्सा है ना, आना बन जाएगी। अच्छा, जब आपने रन क्लिक किया तो ये दूसरा कैरेक्टर बन गया। हाँ। और क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं? और जैसे हो सकता है कि जो ये ड्रॉ करना चाहती है आप उसे वाइट में नहीं चाहते, तो आप दूसरे कलर्स भी चूज कर सकते हैं, जैसे अब मैंने ले लिया ये, और अगर मैं इसे मूव करा दूँ 100 pixels आगे तो ये इस कलर में आएगा जो हमने यहाँ दिया है। 100 pixels, ये पिक्सल क्या होता है? पिक्सल्स होते हैं जैसे कदम टाइप्स, कदम। ओके,
लेकिन बहुत छोटे वाले. अच्छा, तो आई थिंक पिक्सल होता है जो कंप्यूटर के ग्राफिक्स होते हैं उसमें वो, हाँ, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पिक्सल में डिवाइडेड होती है. हाँ. तो उस हिसाब से हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इस करेक्टर को कि कितने करेक्टर हम इसको चलाना चाहते हैं. हाँ. ओके. और मैथ में जैसे अगर मुझे इसको नहीं 50 करेक्टर, मुझे इसको 200 पिक्सल चलाना है, तो 200 पिक्सल चलाना है तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ लिख दें जितना आप चलाना चाहते हैं और फिर उतने ही कदम या पिक्सेल्स चलेगी आगे. ठीक है. अब आप मैथ में देखेंगे तो मैथ में ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैथमेटिकल, जैसे तो मैथ के अंदर आई थिंक मैथमेटिकल फंक्शंस की आप बात करना चाह रहे हैं. हाँ. उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे रैंडम इंटीगर है यहाँ पे, जो आप इधर लगाएंगे तो ये 1 से लेके 100 तक या फिर आप जितना आप देना चाहें उतना, उन दोनों के बीच में से कोई भी रैंडम नंबर चूज कर लेगा. अच्छा. और उतने ही वो पिक्सेल्स चलेगा. जैसे इसका पता नहीं थोड़ा कम हो गया है, 2 या 3 हो गया होगा, तो ये दिखानी आप थोड़ा ज्यादा. हाँ, थोड़ा 20 या 300 यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. ये पता नहीं, ये इसका कोई यूज नहीं है ना. इसे अगर आपको हटाना है तो आप इसे ड्रैग करके यहाँ डाल दो. अच्छा. और वो डिलीट हो जाएगा. ये रैंडम इंटीगर है इसलिए कितने भी पिक्सेल्स चल सकती है. ठीक है. और बाकी, और बाकी जैसे और है हमारे पास लॉजिक कि ये इवेंट्स टाइप, जैसे कि अगर ये हुआ तो हम ये करना चाहते हैं. इसमें इक्वल टू की जगह ग्रेटर दैन और नॉट इक्वल टू. तो लॉजिक आप कहना चाह रहे हो कि कोई लॉजिकल फंक्शन, जैसे कि इफ की अगर कंडीशंस हम डिपेंड कर सकते हैं कि अगर ये करेक्टर ऐसा है तो ऐसा हो जाए, उस टाइप से. हाँ. अच्छा अच्छा, ठीक है. और फंक्शंस में आप कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो या फिर ये देख सकते हो. ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ. अभी इसे हटा देते हैं यहाँ से. अगर आप ये फंक्शन पहले से ही होगा, सिर्फ 1 या 2 फंक्शंस होंगे पहले से यहाँ पे, और आप खुद का भी एक फंक्शन बना सकते हो. जैसे मैंने अपना एक फंक्शन बनाया स्क्वायर. अब यहाँ ये ऑप्शनल है, आप इधर लिखना चाहते हो या नहीं. और फिर ये जो फंक्शन है इससे ना आपका कोड थोड़ा छोटा रहेगा. जैसे जब मैं मैंने स्क्वायर बनाती हूँ तो वो रिपीट वाला लगाना होता है, टर्न राइट और ये वो. अगर मेरे को सीधा सीधा स्क्वायर बनाना है तो मैं एक फंक्शन बना सकती हूँ और उस फंक्शन को सीधा लगा सकती हूँ उधर. अच्छा. तो अब मैं इसे इधर लगाऊंगी जो कोड नॉर्मली हम लगाते हैं. मैं आप इसे जितना चलाना चाहते हैं फंक्शन में आप उतना ही डाल सकते हैं. तो आपने एक फंक्शन बना दिया. अच्छा, ओके. तो यानी कि जो भी हमने कमांड लिखी है ये एक एक इसको मैं एड्रेस करने के लिए एक फंक्शन बना दिया है. हाँ. और फिर और जैसे मैंने ये लगा दिया. ठीक है. तो अब इसे हम रीनेम पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं. और फिर हम फंक्शन को क्लोज कर देते हैं. हाँ. देखते हैं फंक्शन बनाया नहीं, स्क्वायर बन गया. ये देखो. ठीक है. अब मेरे को ये पूरा कोड नहीं चाहिए होगा, बस यहाँ स्क्वायर वाला फंक्शन लगा दो. अरे वाह. ओके. तो बेसिकली राधा देवी, मैं हर बार ये कमांड लिखूं तो मुझे अगर फिर से स्क्वायर बनाना हो तो मैं सीधा ही फंक्शन यूज कर लूं बजाय की सारी कमांड्स रिपीट करने. हाँ. तो अगर आप चाहो कि ये थोड़ा कम करे तो बस उस फंक्शन के एडिट पे क्लिक कर दो और जो आपको चेंजेस बनाने हैं उसमें बना दो. और ओके. और फाइनली वेरिएबल्स, इसका क्या काम है? वेरिएबल कोई कंटेनर होता है जिसमें कोई अमाउंट स्टोर हो सकता है. ओके. तो आप कोई वेरिएबल बना सकते हो. ऑलराइट. जैसे अभी पहले मैं ये सब डिलीट कर दूं.
नहीं तो फिर थोड़ा क्लीन नहीं लगेगा ना ये. हाँ तो वेरिएबल मेनली कोई कंटेनर होता है जिसमें आप कुछ स्टोर कर सकते हो, कोई नंबर या कुछ. तो अभी मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ ये. मैंने वेरिएबल काउंटर को 50 बना दिया है. या फिर आप इस वेरिएबल को रीनेम भी कर सकते हो. मैंने तो काउंटर कर दिया था इसे बस. ठीक. और फिर आप ऐसे कर सकते हो, मूव फॉरवर्ड बाय 100, मूव फॉरवर्ड बाय, मान लो मेरे को 50 पिक्सल्स करवाना है तो मैं यहाँ 50 लिखूँगी. लेकिन अगर आप चाहो कि आप 50 ना लिखो तो काउंटर लो जो आपने वेरिएबल का नाम लिखा है, मतलब जो भी वेरिएबल है आपका, उसे इधर लगा दो. ठीक है. तो ये 50 पिक्सल्स आगे चलेगी. काउंटर क्या काम है? अच्छा, काउंटर आपने एक वेरिएबल बना दिया. अगर मैं इसे 300 कर दूं तो इसका ये वाला जो काउंटर है, आगे जाके मैं काउंटर चेंज कर सकता हूं. अच्छा, समझ गया. ठीक है, ठीक है. सो ये हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया कि इस ये क्या है studio.co.org पे क्या क्या बेसिक ब्लॉक्स हैं जिसमें एक्शंस हैं. जब आपको कोई एक्शन वर्क फ्रोजन का है, इसमें और भी हैं. आप एक मिनट. हाँ, सो इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि एक्शंस हो गए. एक्शंस के थ्रू वर्ब बेसिकली कि आप उसे दौड़ाना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, चलवाना चाहते हैं. फिर लूप्स आ गए. लूप्स के अंदर बेसिकली कोई चीज़ बार बार रिपीट करवानी है, 10 बार करवानी है, 20 बार करानी है. मैथ मतलब बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. लॉजिक हमने देख लिया है. कोई कंडीशन अगर आपको लगानी है कि इफ़ अगर ये हुआ तो, उस हिसाब से. फंक्शंस हमने देख लिया कि जैसे संस्कृति को स्क्वायर बनाना था तो उसने एक फंक्शन बना लिया स्क्वायर का, और वो हर जगह हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं. और फाइनली वेरिएबल्स पे आते हैं. तो वेरिएबल्स जैसे इन्होंने काउंटर बनाया वैसे एक वेरिएबल बना सकते हैं, आगे जाके उसे चेंज कर सकते हैं. यानी कि अगर मुझे हर बार इसको 100 स्टेप नहीं चलवाना बल्कि एक वेरिएबल से चलवाना है तो वो हम कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा रहा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो आई थिंक आज की वीडियो के लिए ये काफ़ी है. हाँ. और काफ़ी से अंडरस्टैंडिंग हमारी इम्प्रूव हुई है, और हम आगे भी देखेंगे कि संस्कृति किस तरीके से हमको और भी ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशंस बनाना सिखाएगी, बड़े गेम्स बनाना सिखाएगी. ये तो सिर्फ इसमें ड्राइंग का है, इसमें सिर्फ. लेकिन अगर आप ऐप बनाना चाहो तो code.org में ऐप लैब है. तो ऐप लैब में हम ऐप्स बना सकते हैं, प्रॉपर ऐप्स ऐप लैब्स में ऐप बना सकते हैं. हाँ, बट इसके लिए साइन इन करना पड़ेगा. हाँ, उसके लिए साइन करना. ठीक है. तो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऐप कैसे बनाई जा सकती हैं, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि गेम्स डिफरेंट जो कि संस्कृति हमें बनाना सिखाएगी. बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये चीज़ें सीखें, बिकॉज ये आगे हमें बहुत काम आने वाली है. और बहुत आसान है, फ्री है code.org, तो आप जाके उस पर साइन इन करके काम कर सकते हैं. सो अभी आज हमने बेसिक फंक्शन सीखे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे भी सिखाएंगे. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आप आने वाली वीडियो से बने रहें. ओके, थैंक यू.